लुक, सबसे पहले आंसर ऑप्शंस के पास देखो, √394, इसको 400 भी किया इसका रूट निकलने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा 20 ना। व्हाट वी नो इज 12.58%, 12.5% वी नो इज 1/8, सो इट्स वेरी क्लोज टू दैट 1/8, सो दिस पार्ट विल बी 2.5। नाउ रिमेन्स इज दिस पार्ट 11.11%, व्हाट इज इट 1/9, 1/9 ऑफ दिस थिंग। 16 9s are, व्हाट ऑल वी नो इज 1/9, 16 9s are 144, तो ये रफली आ गया 16, दिस इज रफली 2.5, दिस इज रफली 16, सो व्हाट ऑल वी नो दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी क्या आएगा, रफली वी नो इज 16 × 2.5, वेरी वेरी क्लोज टू आंसर विल बी व्हाट 40। समझ के लो, ये 12.58 था, इसको 0.08 या हार्डली इसका 1% भी नहीं है, 1% इधर उधर, 1/8, दिस इज 20, 20 इज 1/8, 2.5, इसका 11.11, 16, सो आंसर इज वेरी क्लोज टू व्हाट 40। लुक 34% ऑफ दिस थिंग, रफली अगर मैं इसको 33.33% करूं और इसको करूं, सुन लो पहले अप्रोक्सीमेशन कितना हो रहा है, दिस इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय नियरली 2%, एंड इसको 18 से बढ़ाया हार्डली आधा परसेंट, ये आधा परसेंट का है। एंड इफ यू आर डूइंग दिस क्लास बिफोर, लाइक इफ यू हैव नॉट डन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, पहले वो क्लास कर लो। माइनस 18% वैसे भी निकालना आता है, 18% का टेबल आता है, नहीं तो 18.18% भी आता है अपने को रफली इसका। सो व्हाट ऑल वी कैन डू इज 1/3 ऑफ 3600, दैट इज 1200, 9.09 इज 1/11, सो 2/11 इनटू दिस थिंग, सो ये आ गया 400, सो व्हाट ऑल वी गेट रफली 1200 माइनस 400, आंसर इज वेरी वेरी क्लोज टू, सो 18%, 18 को 18.18% किया 2/11, हार्डली कुछ हो रहा है, देखो इसको मतलब नियरली 1%, हार्डली 1% से बढ़ा है, आंसर हार्डली 1-2% से चेंज होगा, आंसर ऑप्शन दूर है, सो फाइनल आंसर इज व्हाट 800, फाइनल आंसर इज 800। वापस एक बार देखते, 34% था, लुक 34 को 33.33 किया, 34 का 1% होता है, ये सब अपन ने किया हुआ है 0.34, 2% इज 0.68, वेरी वेरी क्लोज टू 2% कम किया, 2% कम किया, इसको 3600 किया, डोंट से इट्स 18 का चेंज, 3582 का 1% होता है 35, इट्स हार्डली 0.5% और समथिंग, हार्डली कुछ, इसको 18.18 किया एंड इसको तो कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं किया है, इसको 18 का, लुक ये सब ये लिख के रख रहा हूं, इट्स यू डोंट नीड टू राइट ऑल दैट, 18 का 1% होता है 0.18, सो हार्डली एनीथिंग, सो व्हाट वी गेट 1/3 ऑफ 3600 माइनस 2/11 ऑफ 2200, 1/3 ऑफ 3600 व्हाट ऑल वी गेट 1200 एंड 2/11 ऑफ 2200 रफली कितना 400, सो 1200 माइनस 400 आंसर विल बी नियरली व्हाट, नियरली आंसर विल बी 800, आंसर विल बी वेरी क्लोज टू 800। सब अप्रोक्सीमेशन है, ये देखो इसके आसपास लुक स्क्वायर रूट होने के बाद तो और भी कम हो जाता है, सॉरी इट्स 657 व्हाट इज बीइंग रिटन देयर, बट वेरी क्लोज टू दैट, वेरी क्लोज टू दैट एंड वेरी क्लोज टू दैट, सो व्हाट ऑल वी नो इज 26 × 21/13, बच्चों का काम है, आंसर इज व्हाट 42, आई रिपीट, इसके आसपास दिस थिंग स्क्वायर रूट 26, आसपास दिस थिंग स्क्वायर रूट 21 एंड डिवाइडेड बाय 13, आंसर इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस थिंग, सो यू ऑल आर स्मार्ट इनफ, क्या मार्क करना। लुक ये अपन पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं और थोड़ा स्मार्ट वर्क सुनो पहले, इफ आई आस्क यू 20 × 8 क्या आता है 160 एंड इफ आई आस्क यू 40 × 4 क्या आता है 160, सुनो मैंने क्या किया है, इसको डबल कर दिया प्रोडक्ट में,
इसको डबल किया और इसको हाफ किया, आंसर इज गोइंग टू रिमेन व्हाट? सेम. सो द सेम वे 10% ऑफ 180 एंड 20% ऑफ 90 सेम ही आएगा. देख लो, ये भी 18 आएगा और ये भी क्या किया है, ये डबल किया है. दिस इज डबल्ड एंड दिस इज मेड हाफ. सेम सेम, तो आंसर क्या रहेगा? सेम. वैसे थोड़ा स्मार्ट वर्क दिमाग लगाओ, देखो क्या दिया है. 17 एंड 35 वेरी क्लोज टू डबल. 17 टू जा 34 एंड 3800 का हाफ. देखो इसका क्या क्या, नियरली हाफ. 3800 का एग्जैक्ट हाफ होता है 1900, वेरी क्लोज. और 17 का डबल होता है 34. डबल से थोड़ा ज्यादा, हाफ से थोड़ा कम. तो ये आंसर तो मींस जो भी आएगा एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा. आंसर शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट दिस थिंग. ये समझ के लो, ये क्लिक होना चाहिए. व्हाट ऑल आई सेड, नियरली हाफ और नियरली डबल. तो ये वैल्यूज जो भी है ये सेम ही आएंगे. आंसर शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट, 3145. बट प्रैक्टिस नहीं है तो सुनो, व्हाट ऑल वी वांट, 3145 माइनस 17 का टेबल इट्स नॉट नीडेड, बट फिर भी 17 का टेबल आना चाहिए. 17 8 जा 136, 13 रिमेनिंग. 17 3 जा 51, 646. एंड अब इसका 35% अप्रोक्सी कर सकते हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज इसका 10% इज 185, 30% 3555. ये तो 30% हुआ, इसका 10% इतना, तो ये 30% प्लस 5% इसका 10% 185, तो 5% नियरली व्हाट 90 वगैरह, तो 645 वेरी वेरी क्लोज. प्लस माइनस आंसर इज व्हाट, बट इतना निकालना नहीं चाहिए था. ये सब 17% टेबल ही लिख लिया, 35% इसका 10% इंटू थ्री 30%, 30% प्लस इसका 10% का हाफ 5% इतना. सो कैंसिल, आंसर इज व्हाट, 3145. बट स्मार्ट डेफिनेटली ये था, क्या था, इसको नियरली डबल किया, हाफ किया, इसको नियरली डबल, एक डबल एक हाफ, सेम आंसर. आंसर शुड हैव बीन दिस थिंग. लुक व्हाट ऑल इज गिवन, 29% वेरी वेरी क्लोज 30% ऑफ 7200. अब देखो ये 3600 है, वेरी क्लोज टू 3600. सो आई कैन डू इट, 8% इसका हाफ किया और इसको डबल किया. समझ में आ रहा है, इसका किया हाफ और इसको किया डबल. आंसर सेम ही आएगा, इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो वी सॉ, इसको हाफ किया और इसको डबल किया. अब वापस से द सेम थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी क्लोज टू 14400. सो व्हाट आई विल डू इज इसका डबल और इसका हाफ. सुनो, इसका किया डबल और इसका किया हाफ, इसको डबल इसको हाफ, क्योंकि बेस सबका दिख गया आसपास टू दिस थिंग. नाउ इट्स सो इजी, 72% 30% प्लस 8% माइनस 13%. सो व्हाट ऑल वी गेट, 7200, 25% ऑफ दैट वेरी क्लोज टू व्हाट आंसर शुड बी. सुनो ये ट्रिक, मतलब क्लिक होना चाहिए हर चीज, से रट्टा मार के नहीं जा सकते इसके टाइम ऐसे. वेरी क्लोज 30% ऑफ दिस, इसको आधा किया और इसको नियरली डबल किया, इसको नियरली हाफ डबल किया, तो इसको हाफ किया, आंसर चेंज नहीं होएगा. एंड फाइनली सबका कॉमन 7200. लेंथी चाहिए तो है ही अपने पास में, 30% ऑफ 7200, इसका 10% होता है 720, तो 720 इंटू 3 2160. अब 16% 16% ऑफ 3600, टेबल तो आता ही है, 16% ऑफ 3600, 16 6 जा 96, 9 रिमेनिंग, 48, ये देखा अपन ने. और नाउ नेक्स्ट पार्ट, 6.5% टेंशन वाला काम है, 14400. अब 6.2 लिखो, आंसर ऑप्शन देखो ठीक ठाक दूर है, तो अपने पास 6.25% है, 6.25% है, 6.25% एंड 6.66 है, 6.25%
what all we know is 1 by 16, 1 by 16 of this thing, nearly 900. So, अब देखो nearly 900, ये थोड़ा कम निकाला है अपन ने, तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, hardly थोड़ा सा ज्यादा, कुछ फर्क नहीं का आंसर में चेक करो. So, what all we get here is 2160 plus this thing, 2160 plus 576 minus 900. So, इधर पहले add कर लेंगे, तो roughly what we get, roughly कर लो तो भी चलेगा. So, what all we get here is 2730 माइनस 900 आसपास चाहिए है, आसपास. बट इसकी सबकी जरूरत नहीं थी अपने को, फ्रैक्शन जो पता है. व्हाट ऑल वी डिड, वी कैलकुलेटेड और इसका नहीं पता 6.25% आता है 1/16, सारे फ्रैक्शन याद करो और ये आंसर आया. बट बेटर वे अपने पास था, क्या था, इसका रखा हाफ किया, डबल किया तो आंसर सेम, डबल किया हाफ किया आंसर सेम, एंड दैट्स व्हाट वी गॉट. देखो 67% क्या पता है अपने को, 66.66 आसपास में, 9300 ना. क्यों ऐसे किया समझ के लो, 67% का 1% होता है हार्डली 0.67, इसका हार्डली आधा परसेंट वगैरह से कम किया, एक को कम किया 9231, इसका 1% होता है 92. सो रफली हार्डली 1% कम किया, आधा परसेंट कम, आधा परसेंट बढ़ाया, आंसर बदलेगा ही नहीं. और इधर अपने को पता है 14.28% का फ्रैक्शन अपने को आता है हार्डली, सर क्या तो कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं हुआ है. और अगर चाहिए ही है 14.2 का 1% होता है 0.14, हार्डली आधा टक्का, तो जो भी है एक बढ़ाया एक का. सो दिस वी नो 2/3 ऑफ दिस थिंग माइनस 1/7 ऑफ दिस थिंग, तो क्या आएगा आंसर देख लो, 6200 माइनस 7 × 1 = 1800, तो ये आंसर नियरली कितना आ गया है 4400, इसका आंसर ये आ गया, इसका ये हार्डली एक का टक्का इधर उधर 4400 आंसर आ गया, एक का टक्का इधर उधर होगा कुछ आंसर में फर्क नहीं गिरेगा. क्या क्या अपन ने वड़ल बीटे 66% रफली ऑफ दिस, 2/3 ऑफ दिस, 14.28% ऑफ दिस, नियरली 1/7 ऑफ दिस, आंसर इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस. Now, what is this? First of all, try to understand one thing. Let's say I ask you 16 into what is 100. Basically, we know, what we know is 25 into 4 is 100. So, if I make it and I get this answer 4, answer, this answer should be slightly less than 4, slightly less than 4. Check it. 100 upon 26, 23 is 78, 22 बचा रफली 8. ये समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये एक चीज थोड़ी कम करके आंसर निकाला, इसको रिड्यूस करके आंसर निकाला, तो जो आंसर आएगा उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसको रफली 16 किया, ये समझ के लो हार्डली 1% है, इसका 1% होता है 0.16, 25.3 का 1% होता है 0.25, हार्डली एक आध परसेंट कम किया है. अब जो भी आंसर निकलेगा उसको अराउंड, इसको इतना किया हार्डली 1% से कम किया, हार्डली इसको भी 1% से कम किया, जो भी आंसर आएगा, चलो करते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 16, 25 400, सो ये आंसर आ गया 25. लकीली यही दे दिया है, नहीं तो 25 से अराउंड 2% कम कर देते थे अपन, ये एग्जैक्ट आंसर आ जाता था. इधर 1% कम किया, इधर 1, तो जो भी आंसर निकाला है, जो आंसर का करना चाहिए था, बट आंसर ऑप्शन में क्लोज टू टू दैट 25 ही दिया है. व्हाट आई विल बी डूइंग इज, 3 इधर से निकाल लिए, 1 और 4 और 2 6, व्हाट ऑल वी हैव डन, 6 इधर निकाल लिए है, 3 और 1 और 4 और 2 6, सो व्हाट एल्स वी कैन डू, 1 और 3 4 और 2 6, यहां पे एक ही निकालेंगे 9, तो यहां पे ये 10 बच गया, दोनों तरफ साथ साथ निकल गए. अब जल्दी से देखो क्या क्या कर सकते हैं, एक तो अपन रूट्स निकाल सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, 25 9 जा
25 ये सब रूट में ही चल रहा है. 25 एट जा 200, रिमेनिंग 10, 25 फोर जा 100, 1 जा 841. अपने को पता है रूट किसका है, देखेंगे बाद में. अभी और क्या डिवाइड कर सकते हैं, 64 ये डिविजिबल बाय 4 दोनों भी रहेगा, 8 भी दिख रहा है डिविजिबल बाय 8 जा 64. लेट्स ट्राई 8 2 जा 16, 8 4 जा 36, 8 2 जा. अभी और इसको ओपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4 2 जा और 121. ये 121 और ये 121 कैंसिल हो गया है. इट्स गोइंग टू बी पेनफुल बट प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 9 6 जा 54, 9 4 जा, ये क्या आ गया, 4 16 जा. तो अपने पास क्या क्या बच गया है, यहां ये 16 बच गया है, यहां ये 841 बच गया है, नीचे ये क्या बच गया है 9, यहां 9 बच गया है, और ये क्या बच गया है 10. तो अभी अपन निकालते हैं 16 का स्क्वायर रूट 4, इसका स्क्वायर रूट 29. अब ये समझो ये स्क्वायर रूट के बाहर, इसका स्क्वायर रूट 29, इसका स्क्वायर रूट 4. पर सुनो, रूट 10 बाय 9 इज वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट, 1, बराबर है. ये देखना भी है अंडर रूट में क्या आएगा, ये अंडर रूट 1.1. तो ये 116, अभी आंसर ऑप्शन देखो, 116 से कितने कितने दूर है, 116 से थोड़ा सा दूर अपने को क्या मिलता है, यहां पे 123. इसका रूट 1.1 का रूट हार्डली क्या आएगा, 1.05. सो आंसर इज वेरी वेरी क्लोज, क्या आएगा 123 दिए हुए चॉइसेस में. दूसरा वे भी था अपने पास में, दूसरा वे कैसे है ये देखो, और 3 आई टेक आउट, 1 4 एंड 2 6, 1 4 6, इधर एक ही निकालेंगे तो इधर एक 10. अब आगे का पार्ट देखो, ये स्क्वायर किसका है, ये तो याद रखना चाहिए, ये किसका स्क्वायर है 24 का. अब 1600 का स्क्वायर रूट इज 40, 2500 का स्क्वायर रूट इज 50, तो ये 1936, लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए 44. ना एंडिंग विथ 5 के लिए क्लास में सिखाया जाता है, इफ कोई नंबर का लास्ट डिजिट, जैसे 25 का स्क्वायर, हाउ डू वी गेट 5 स्क्वायर 25, नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 3, बचे हुए नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके. थोड़ा गेस वर्क देखो, 140 स्क्वायर इज 19600, 150 स्क्वायर इज 22500, तो ये किसका लास्ट डिजिट 5 है, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये अभी अंडर रूट 10 बच जाएगा यहां पे, इसको बाद में देखेंगे. दूसरा पार्ट, 121 स्क्वायर रूट क्या आएगा, 121 स्क्वायर रूट 11, 64 स्क्वायर रूट क्या आएगा 8, और ये किसका स्क्वायर रूट है सबको पता है, ये स्क्वायर रूट कितना आएगा 15. चलो जल्दी से चेक कर दे क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, 8 3 जा 11 4 जा 5 3 जा 5 29 जा, ये कैंसिल, तो अपने पास में बच गया है ये 429, ये सब ये कैंसिल हो गया है 29, और अब अपने पास में यहां बच गया है रूट 10. लेट्स क्विकली चेक आउट व्हाट ऑल वी डिड, व्हाट वी नो इज 8 3 जा 24, 11 4 जा 11 4 जा यहां पे आ चुका है, नाउ व्हाट ऑल वी नो इज 5 3 जा 29 जा 3 3 कैंसिल्ड, so what all will be getting here, quickly you check out what all we should be getting. ये सब होने के बाद यहां पे अपन ये भूल गए हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9, यहां पे ये 3 लेना भूल गए हैं, so what all we are left out with is, सुन लो जल्दी से, ये 29, ये 4, ये रूट 10, रूट 10 means वेरी क्लोज टू what 3.1 या 2 ऐसे, और ये 3, सो रफली ये कैंसिल होगा, रफली थोड़ा तो बचेगा ही, 116 से थोड़ा ज्यादा, 116 से थोड़ा ज्यादा वी वांट एंड वी गेट द आंसर, क्योंकि इसको वी कैन डू 24 रफली 13 इंटू व्हाट डिवाइडेड बाय 9, इधर 9 है ये इधर 9 है, इक्वल टू
व्हाट ऑल वी गेट इज, इसको 15,600 के आसपास कर सकते हैं, 13 12 जा क्या हो सकता है, और 24 50 जा, इट्स सो इजी, 50 × 9 कितना आ गया आंसर, 450, आंसर हैज टू बी वेरी वेरी क्लोज टू 450, वापस से एक बार अपन करेंगे, रफली 24, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा बढ़ाया, हार्डली 1-1%, इधर पता नहीं, डिवाइडेड बाय नाइन है, और इधर ये है वेरी क्लोज टू 15,600, 13, 12 जा 156, 1200, 24, 5 जा 50, सो ये रफली क्या आता है, 50 × 9, 450, बराबर है 50 × 9, वेरी क्लोज टू 450 के आसपास आंसर अपना आना चाहिए, 450 के आसपास, 434 इज वन ऑफ द चॉइसेस अवेलेबल विथ अस। लुक, अपने को इसके आसपास पता है 36.36%, 36.36%, वी नो वेरी वेल, सी लाइक व्हाट ऑल इज द क्लोजेस्ट टू इट, लाइक 3892 और लाइक हार्डली 1% हियर देयर, 19 का तो टेबल आता है तो 1300 वेरी क्लोज, 27% ऑफ एक्स वी वॉन्ट दिस थिंग, चलो देखते हैं, 9.09 बताने की जरूरत नहीं है, 9.09 इज वॉट 1/11, सो 36.36 इज नथिंग बट 4/11, 9.09 इतना तो 36.36 ये इतना, तो व्हाट ऑल वी हियर इज 4/11 ऑफ 3900 माइनस 19 का तो टेबल ही अपने को आ जाता है, 19% कर लो, 13 का भी आता है, 13 9 = 117, 11 रिमेनिंग, सो दिस थिंग प्लस 27% ऑफ एक्स इक्वल टू दिस थिंग, अभी ये पार्ट बाकी है, 11 3 = 33, रिमेनिंग 6, 11 5 = 55 नियरली, सो ये आ गया, 5 4 = 22, रिमेनिंग 22 2, सो 1420 माइनस 247, थोड़ा लेंदी होएगा लेकिन प्लस जो भी पार्ट है, फर्स्ट विल सॉल्व दिस थिंग, तो ये कितना बच गया है, सो रफली 3, रफली 7, सो व्हाट ऑल वी गेट हियर इज 1173, प्लस 27% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1720, ये इधर से माइनस करके अपन जा रहे हैं आगे, सो व्हाट ऑल वी गेट हियर इज 27% ऑफ एक्स इक्वल टू, ये माइनस करने के बाद बचेगा 7, 1 रिमेनिंग 8, 4 और 1 रिमेनिंग, सो व्हाट ऑल वी गेट 547, 27% ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, 27% ऑफ एक्स आना चाहिए दिस थिंग, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, मींस क्या चाहिए है, 27/100x इक्वल टू 547, तो 27 2 = 54, 27 0 = hardly 2-3 वगैरह, तो ये आंसर बहुत क्लोज 2020 के आसपास आ जाएगा, फाइनल आंसर इसके बहुत क्लोज आ जाएगा, चेक कर लो क्या किया है, लुक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, वी वांट 36.36% इसका रफली ये आंसर निकला, 19% तो सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, 27%, अभी ये माइनस करना है, ये वैल्यू दिस माइनस दिस ये इतना आ गया, प्लस दिस थिंग, तो ये इधर से इधर माइनस हो गया, इधर से इधर माइनस, सो 27% रफली दिस थिंग, 27 2 = रफली ये, तो आंसर शुड बी दिस थिंग। First, keep in mind, the moment you get these things, very important formulae, very, very important formulae, and the moment you look at it, the moment we get a cube plus b cube, yeah, इसे ही होने वाला है, क्या है ये, we know very well, इसको कैसे लिख सकते हैं, a plus b, और आगे क्या, a square minus ab plus b square, और इधर ये ऐसे ही लिख सकते हो और ऐसे ही मिलेगा, अब इसको ढूंढो, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, 36 का स्क्वायर गेस भी मारोगे तो भी समझ में आएगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900, लास्ट डिजिट 6 जम गया, ये तो 17 का स्क्वायर पता ही है, 17 स्क्वायर इज 289, ना क्रॉस चेक करने की जरूरत है, 36 × 17,
check it. 36 into 17 is nothing but what? 17, 6 are 102, 10 remaining. तो आ गया, ये सब वैल्यूज नथिंग बट व्हाट क्या है, 36 स्क्वायर माइनस 36 इनटू 17 प्लस 17. ये बस ये क्वेश्चन दिखे बराबर है, इसे ही आंसर आता है. आंसर क्या आ गया? 53. द मोमेंट वी गेट इट आंसर आ जाता है अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर. ये वही फॉर्मेट, लिखा अलग है बट दिए वही चीजें है. So answer we get here is what? 53. When you look at it again, 512 पता है 8 का क्यूब है, देखो कैसे कर सकते हैं. सुनो, this can be written as 512. एक decimal shift किया तो इसका cancel कर दिया 27 minus. अब सुनो, I can break this thing as, that's why it's aptitude, दिमाग तो time पे लगना ही चाहिए. This is 288 into 2. एक डेसिमल इधर निकाला तो ये कैंसिल, प्लस 360 प्लस 25 इंटू 9 क्या होता है. अब देखते हैं ढूंढ के क्या मिलेगा, सुनते रहो क्या क्या मिलते जाएगा. 8 का क्यूब, 8 का क्यूब इज 512, 3 का क्यूब तो बच्चा बच्चा जानता है, वो ऑल नो इज 27. सो लेट्स चेक इट, आई कैन राइट इट एज 8 इंटू 3 क्यूब एंड दिस 9 into 3 is what? 27. And so this is nothing but what? 5 into 3 का क्यूब. मिल गया आंसर. अब ऐसे ही फॉर्मेट में आना चाहिए, 24 क्यूब माइनस 15 क्यूब. तो अपने को सब पता है कैसे लिख सकते हैं. दिस इज नथिंग बट 576. 576 नथिंग बट किसका? 576 24 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर. तो अब ये देख लो क्या आता है, 15 इंटू 24. रिपीट, गेस वर्क हैज टू वर्क आउट. 24 क्यूब माइनस 15 क्यूब, दिस इज नथिंग बट 576 जो किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर. सो आंसर आ चुका है अपने पास में. व्हाट ऑल वी कैन राइट हियर इज दिस इज 24 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 15 प्लस 15 स्क्वायर. अपने को सबको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट कैन बी रिटन एज ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर अपॉन फॉर्मूले. फॉर्मूले दिमाग में रखो और कुछ नहीं है, बाकी सब कैंसिल हो गया ये. सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 9. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. Look, what all we could have done, 110 plus 2, 220 plus 3, 330 plus 4, और ये इधर 990 plus 10. 110, 220, 330, up to what? 990. और इधर 2, 3, 4, up to what? 10. So, what all we get here is 110 common, 1, 2, 3, up to 9, और इधर क्या कर लेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 और ये एक माइनस का. सुनो अभी तक क्या किया, 112 था, इसको प्लस 2 प्लस 3 वी डिड प्लस 4 एंड दिस इज प्लस 10. दिस इज 110 कॉमन 1 टू 9, ये 2 टू 10 है तो 1 टू 10 आई ऐड और एक माइनस का. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. सो व्हाट ऑल वी गेट, n इनटू n प्लस 1 by 2. So 110 into 9 into 10 by 2. Here 1 plus 2 plus 3 up to 10, 10 into 11 by 2. Our final weight minus 1. That's what we can do. So yeah, what all we get? 110 into 45, 25, 55 or wo ek uske liye minus. So what all we get? 11 5s are 55, 5 remaining. This thing, 11 5s are 55, remaining 5. 11 4s are 44 and 5. So, ye ho gaya 4950 plus 55 minus 1. So, final answer is 5004. This plus this minus 1. Answer is what? 5004. Now, इधर क्या कर रहा है, 77 जो भी डिवाइडेड वाला है नीचे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटो वाला ऊपर रख दो, ये डिवाइडेड वाला इधर है.
रिपीट, ये दोनों डिवीजन वाले नीचे डाल दिए, बाकी ऊपर है. नाउ आई कैन शिफ्ट वन, दिस कैन बी कॉल्ड एज वेरी क्लोज टू 0.7. 0.69 इज नथिंग बट वॉट 0.7. सो इसको शिफ्ट कर देंगे. टू डेसिमल्स आई एम शिफ्टिंग हियर, सो आई शुड बी शिफ्टिंग वन एंड आई शुड बी मल्टीप्लाइंग बाय 10. 77 इंटू 11 इंटू 8, एक 10 एक्स्ट्रा लाया, 122 इंटू 7. 7 11 जा, ये 11 11 जा, 121 कैंसिल. आंसर, आई एम सो सॉरी, आंसर शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू 18.